अउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो आपको आप पर अपना फजल करम बनाए रखें। आज हम बनाएंगे ग्रीन 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 डिश सैलड। बहुत सबको पसंद है ये, और जिनको नहीं उनको भी खाना चाहिए। हम बना रहे हैं कचुम्बर सैलड, जिसके लिए लाजमी चीज़ ये खीरा। एक खीरा लेंगे आप, लेंगे एक प्याज और ये टमाटर, ये और लेमन, ये चार चीज़ें इसके लिए लाजमी हैं। इसके अलावा ये तीन चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये मैंने एक बेल पेपर ली है ग्रीन, एक ऑरेंज, ये कलर के लिए मैंने ली है, और एक ये थोड़ा सा हम पुदीना यूज़ करेंगे। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर इसकी हम करेंगे कटिंग। मैंने अभी एक खीरा लिया है, इसको इस तरह थोड़ा लंबे स्लाइसेस में आप कट कर लें, फिर इनके अंदर इस तरह कट लगा के ये इनको ये बारीक बारीक फाइनली चॉप कर लें। इसी तरह हम अनियन को, टमाटर को, सबकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ये फाइन हमने इसकी कटिंग करनी है। अब मैं सबकी कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये हो गई है वेजिटेबल्स हमारी कट। अब हम इसको एक बोल में ऐड कर लेंगे। जी तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, और इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस। ये भी जितना खट्टा आपको पसंद है आप उस हिसाब से डालेंगे। अब करेंगे इसको हम मिक्स मिक्स मिक्स। ये काम आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, देखें कितना जबरदस्त फ्रेश कलर इसमें आए हैं। जी फ्रेंड्स, ये है हमारे कचुम्बर सैलेड की फाइनल लुक। मैंने इस तरह इसको डेकोरेट किया है। आपका जैसे दिल करे आप उस तरह करें, अपना माइंड थोड़ा सा खोलें और आपको खुद से आइडियाज आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।